हम सभी को खेल कितना पसंद है ना, खेलना भी और देखना भी। भारत में तो ऐसे भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनको हम भगवान के समान मानते हैं। उनकी तस्वीरें हमारे फेसबुक प्रोफाइल से लेकर के हमारे घर के दीवारों तक हम सजाते हैं। सवा सौ करोड़ के हमारे देश में धोनी और कोहली को छोड़कर भी कमाल के स्पोर्ट्स आइकन्स हैं। और हाँ, ओलंपिक्स के वक्त हमें पता चला कि फुटबॉल और क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारे अमेजिंग गेम्स खेले जाते हैं। यकीन नहीं होता, चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ कुछ ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन से जो कि आदिवासी बैकग्राउंड से आते हैं और जिन्होंने अपने कमाल के परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीता है। ये वही कम्युनिटी है जिसको सरकार और मीडिया बैकवर्ड या फिर अनसिविलाइज्ड कहती है। इन्होंने अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस से ना सिर्फ नेशनल लेवल पर बट इंटरनेशनल लेवल पर भी रिकॉग्निशन पाया है। दूती चंद का जन्म 3 फरवरी 1996 में ओडिशा के एक गांव में हुआ। गांव का नाम है चाका गोपालपुर। वो एक गरीब परिवार से हैं जिनका ट्रेडिशनल काम बुनाई का रहा है। पर इस डिसएडवांटेज के बावजूद 2012 में 100 मीटर्स इवेंट में दूती नेशनल चैंपियन बनी। उसके बाद 2013 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 200 मीटर इवेंट में ब्रॉन्ज हासिल किया। वो भारत के ऐसे पहले महिला हैं जिन्होंने 2019 समर यूनिवर्सेड में 11.32 सेकंड्स की टाइमिंग के साथ गोल्ड मेडल जीता। 2019 में ही दूती चंद आगे आई और अपनी होमोसेक्सुअलिटी को दुनिया के सामने रखा। वे हमेशा से ही LGBTQ राइट्स की एडवोकेट रही हैं और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में मदद कर रही हैं। होनकल गोपी एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं और भारत के ऐसे एकमात्र एथलीट हैं जिन्होंने साउथ एशियन गेम्स मैराथन रेस में गोल्ड मेडल जीता है। उनका जन्म 1988 में केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में हुआ था। 2014 से वे नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में रेस करते रहे हैं। गोपी इकोनॉमिक्स में बैचलर्स डिग्री कर रहे थे, इसी दौरान उन्होंने एक आर्मी फिटनेस टेस्ट दिया जिसमें उनका सिलेक्शन हुआ। कुछ ही समय में उन्होंने बैचलर्स छोड़कर आर्मी ज्वाइन कर लिया। 2016 के समर ओलंपिक्स में उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के वजह से ओलंपिक्स के 25 सबसे तेज मैराथन रनर्स में उनका नाम शामिल है। इंडिया में फुटबॉल फैंस भी कम नहीं हैं, लेकिन जिस लेडी को स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इंडिया टीम से फॉरवर्ड विंगर पोजीशन पर खेलती हैं। ग्रेस दांगमे का जन्म 1996 में मणिपुर में हुआ था। वे दिमदाइलोंग गांव के रोंगमे नागा ट्राइब से हैं। 2016 के SAFF गेम्स में फाइनल मैच के पहले गोल करने वाली ग्रेस दांगमे एक बहुत ही फास्ट प्लेयर हैं। शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग से अपना स्पोर्ट्स करियर शुरू करने के बाद उन्होंने फुटबॉल में स्विच किया। एशियन गेम्स 2014 और साउथ एशियन गेम्स 2016 की इंडिया टीम की मेंबर रही ग्रेस ने 2018 में इंडियन वीमेंस लीग में इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड हासिल किया। हॉकी के मोस्ट फेमस फुलबैक दिलीप टिरके को अपना इंस्पिरेशन मानने वाले वीरेंद्र लाकरा का जन्म 1990 में हुआ। 2007 के सिंगापुर टूर में पहली बार वीरेंद्र ने इंडियन टीम से खेला और 2009 में FIH जूनियर वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा बने। सीनियर लेवल में उन्होंने ढाका में हुए SAAF गेम्स 2010, यूथ ओलंपिक्स सिडनी 2009 और 2012 लंदन ओलंपिक्स में इंडिया से खेला। उनका जन्म ओडिशा के ओरावन ट्राइब कम्युनिटी में हुआ था। वे इंडियन हॉकी टीम में डिफेंस पोजीशन में खेलते हैं। हॉकी इंडिया लीग की रांची फ्रेंचाइज से हॉकी खेलते हुए 2013 और 2015 के टाइटल्स उनकी टीम ने जीते। 2012 में हुए हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में इंडिया को एंटर होने में वीरेंद्र का ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन था। हमारे अगले स्पोर्ट्स पर्सन को कौन नहीं जानता, इनके ऊपर तो एक मूवी भी बन चुका है। पद्मा विभूषण अवार्डी मैरी कॉम आज एक नेशनल हीरो हैं। इंडिया की फर्स्ट फीमेल बॉक्सर जिन्होंने एशियन गेम्स 2014 और कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल लेकर देश के सारे एथलीट्स को प्राउड फील कराया। 1982 में जन्मी मैरी कॉम मणिपुर के एक छोटे से गांव चुराचंदपुर से आती हैं। उनकी ट्राइबल आइडेंटिटी कॉम है। ओलंपिक्स के ब्रॉन्ज मेडल तक का सफ़र बहुत ही चैलेंजिंग रहा।
आज वो अपने होम टाउन में स्पोर्ट्स क्लब चलाती हैं, जहां पर यंग एथलीट्स को फ्री में ट्रेनिंग देती हैं। मणिपुर गवर्नमेंट ने उन्हें मीथोई लीमा का टाइटल दिया, जिसका मतलब है अ ग्रेट और एन एक्सेप्शनल लेडी, एंड आई एम श्योर वी विल ऑल अग्री विद दैट। लिस्ट में जो 5 नाम हैं, उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे आदिवासी स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपनी आइडेंटिटी बनाई है। इंस्टीट्यूशनल, सोसाइटल और स्ट्रक्चरल चैलेंजेस के बावजूद वर्ल्ड के बेस्ट चैंपियंस के साथ इन्होंने कम्पीट किया है। यह बिल्कुल भी एक आसान काम नहीं है। ये सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स हमारे लिए एक इंस्पिरेशन हैं। क्या आपके स्टेट में भी ऐसे आदिवासी खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट्स में बताएं।